समन्वय बनाएंगे कि हम लोगों को चुनाव कैसे लड़ना है, एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे पर सीट जो बंटवारे में जाएगी कैसे काम करेंगे, इस बेनिफिट के लिए ये मीटिंग बुलाई गई हमारी। और जैसे सदर विधानसभा से प्रत्याशी आपके कौन रहेगा? सदर विधानसभा प्रत्याशी अभी हमारी लिस्ट आई नहीं है, एक दो दिन में हम ये लिस्ट फाइनल कर लेंगे। जिस तरह आजमगढ़ में या उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी का लड़ाई चल रहा है, उस तरह आप अपने को किस तरह देख रहे हैं? कहाँ पे लड़ाई चल रही है? उत्तर प्रदेश में और आजमगढ़ में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि एक एंटी कैम्बेसी चल रही है गवर्नमेंट के खिलाफ, और सपा जो है वो जो इस वक्त जिस धरे पे जा रही है सपा फाइट नहीं कर पाएगी। तो हम लोग जानते हैं, आप वामन मिश्राम जी एक बड़ा चेहरा है, जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जी एक बड़ा चेहरा है, बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब एक बड़ा चेहरा है, और हकीकत में वंचित शोषित समाज की जो लड़ाई है यही कम्बिनेशन ओबीसी दलित और मुसलमान का बन रहा है, और हम बहुत मजबूती से आ रहे हैं एक विकल्प लेके। जैसे आज हम सपा का गढ़ बना जाता है, उस पे आप कैसी चुनौती बनती? गढ़ तो ये हमेशा ये कहा जाता है सपा का गढ़ है, कभी कहा जाता है अखिलेश का गढ़ है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे प्रदेश सदर का ये घर है और बहुत मजबूती से हम कम बैक कर रहे हैं। वजह ये कि कई बार सपा के लोग यहाँ से विधायक रहे हैं और आजमगढ़ की स्थिति आप देख रहे हैं। दसों विधानसभा से कितनी आशा निकलती है, आपकी कैसी निकल सकती है? हम दसों विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, आशा ये कि 4 से 5 सीटें हमारी निकल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, राम मंदिर मस्जिद, और कहीं विपक्ष वाली पार्टी बोलती है कि हम सत्ता में आते हैं तो 100 मीटर का हम परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे, तो आपके क्या मुद्दे होंगे? अभी देखिए, शोषित वंचित समाज में हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि संविधान के दायरे में संविधान को लागू करना। अभी सपा और तमाम सेकुलर पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पिच पे जाके खेल रही हैं, जबकि आज नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास ये सब मुद्दे पीछे चले गए। भारत कब तक हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के पीछे घूमता रहेगा? आज नौजवान आप देख लीजिए इलाहाबाद में, आप बिहार में देख लीजिए, इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही, महंगाई चरम पे है। तो हम लोग उस चीज़ों को लेके फ्रंट पे आना चाह रहे हैं जिस मुद्दे को पीछे ढकेला जा रहा है, जो कि वास्तविक मुद्दा है। आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कितना वो दिख पाएगी इस चुनाव में? बाबू सिंह कुशवाहा जी एक बड़े नेता हैं और राजनीति में उनकी बहुत मजबूत पैठ है, और ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं, और आप जानते हैं कि 52% से लेकर 54% ओबीसी है, और भागीदारी दिखेगी जी। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, कभी ये समाजवादी पार्टी ज़्यादा जीत लेती है, कभी बहुजन समाज पार्टी जीत लेती है, इस बार आप कितना जीत? अभी देखिए, हम तो एक विकल्प बन के बहुत मजबूत आ रहे हैं, पहला चुनाव है, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, ये है कि 4 से 5 सीटों की हमारी लक्ष्य की हम निकाल ले जाएंगे। साथियों, आज ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की बैठक जिला स्तर की हो रही है। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में अभी जो प्रमुख रूप से 3 पार्टियां हैं, वो प्रमुख रूप से जिनकी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में नेटवर्क है, वो 3 पार्टी के लोग माननीय बाबू सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM, और साथ ही साथ बाम से भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के माध्यम से ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय VL मातंग और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष